अब मेरे पास जो डेटा है ना, एक नंबर्स में दूसरा परसेंटेज में। मान लीजिए इस पे मैंने चार्ट लगाया, तो आप देखेंगे कि आपका जो एक चार्ट है, जो हमारा टारगेट है, वो दिख नहीं रहा है। ना दिखने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आप यहाँ 50% देख रहे हैं, पर एक्चुअल में ये 50% होता नहीं है। ये क्या होता है? 0.50 होता है। तो अब देखिए 34 के सामने 0.50 का कंपेयर क्या होगा? कोई कंपेयर नहीं है। इससे मुझे एक कहावत याद आती है, बचपन में हमारे बुजुर्ग लोग जो कहावत कहते थे कि बड़े बड़े ढोल के सामने खजूरी का क्या मोल। जैसे कि कोई बड़े लोगों की कोई फंक्शन पार्टी होती थी, तो उसमें हम लोगों के जो पूर्वज थे, दादा लोग थे, वो जाने से कतराते थे। वो कहते थे कि बड़े बड़े ढोल के सामने खजूरी का काम हो, मतलब कि इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, नेता मिनिस्टर मंत्री आएंगे, उसमें हमारी एक किसान की क्या हैसियत होगी। तो वही यहाँ पे दिख रहा है कि बड़े बड़े नंबर्स के सामने छोटा सा नंबर क्या दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सेकेंडरी एक्सिस का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, सेकेंडरी एक्सिस। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, किसी को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे चले जाइए सेलेक्ट डेटा, नहीं सेलेक्ट डेटा नहीं, माफ कीजिएगा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। थोड़ा देर पहले आपने बताया था कि हमने चेंज किया था। तो यहाँ पे जैसे मैं कर्सर कॉलम, जो मेरा टारगेट है, जो परसेंटेज है, इसका मैंने एक अलग सेकेंडरी एक्सेस कर दिया ताकि यहाँ दिख जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ओवरराइट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि आपके टारगेट और आपका सेल दोनों में ओवरराइट हो रहा है। तो सेकेंडरी एक्सेस काफी नहीं होगा, इसमें हमें इसको करना पड़ेगा लाइन चार्ट, ताकि इस तरह से दिखे। जब आपके पास दो तरह के डेटा हो तो इसका इस्तेमाल आप करेंगे।